नमस्कार, कृषिभाई मंडी अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए जान लेते हैं कि राजस्थान की मंडी में 30 नवंबर को क्या रहे फसलों के दाम। शुरुआत करते हैं बाजरे से। निभाई की मंडी में बाजरे के दाम थे 1995 रुपए, लालसोट की मंडी में थे 1800 रुपए, मंडावरी की मंडी में थे 1870 रुपए, उदयपुर की मंडी में थे 2200 रुपए, बस्सी की मंडी में थे 1950 रुपए और भगत की कोठी मंडी में थे 1800 रुपए। चने की बात की जाए तो निभाई की मंडी में चने के दाम थे 5030 रुपए, गोलूवाला की मंडी में थे 4600 रुपए, लालसोट की मंडी में थे 4550 रुपए, जोधपुर की मंडी में थे 4800 रुपए, खानपुर की मंडी में थे 4540 रुपए, उदयपुर की मंडी में थे 4700 रुपए और भगत की कोठी मंडी में थे 4800 रुपए। बात करते हैं मक्के की तो विजयनगर की मंडी में मक्के के दाम थे 2400 रुपए, इकलेरा की मंडी में थे 1707 रुपए, खानपुर की मंडी में थे 1689 रुपए और उदयपुर की मंडी में थे 1650 रुपए। बात करते हैं ज्वार की तो विजयनगर की मंडी में ज्वार के दाम थे 1705 रुपए, निभाई की मंडी में थे 2455 रुपए, मंडावर की मंडी में थे 2181 रुपए और भगत की कोठी मंडी में थे 2200 रुपए। बात करते हैं लहसुन की तो सूरजगढ़ की मंडी में लहसुन के दाम थे 4800 रुपए, जालौर की मंडी में थे 5500 रुपए, कानपुर की मंडी में थे 5330 रुपए और उदयपुर की मंडी में थे 4000 रुपए। बात करते हैं प्याज की तो विजयनगर की मंडी में प्याज के दाम थे 1670 रुपए, जालौर की मंडी में थे 3000 रुपए, राजसमंद की मंडी में थे 2200 रुपए और बस्सी की मंडी में थे 3800 रुपए। अब बात करते हैं कपास की तो विजयनगर की मंडी में कपास के दाम थे 7900 रुपए, गोलूवाला की मंडी में थे 8800 रुपए, सूरतगढ़ की मंडी में थे 7000 रुपए, रानी की मंडी में थे 8461 रुपए। मूंग के दामों की बात की जाए तो गोलूवाला की मंडी में मूंग के दाम थे 5913 रुपए, सूरतगढ़ की मंडी में थे 6200 रुपए, जोधपुर की मंडी में थे 5630 रुपए, रानी की मंडी में थे 5425 रुपए और भगत की कोठी मंडी में थे 6890 रुपए। मूंगफली के दामों की बात की जाए तो निभाई की मंडी में मूंगफली के दाम थे 5904 रुपए, लालसोट की मंडी में थे 5731 रुपए, जोधपुर की मंडी में थे 5800 रुपए और बस्सी की मंडी में थे 5750 रुपए। अब बात करते हैं टमाटर की तो विजयनगर की मंडी में टमाटर के दाम थे 2635 रुपए, सूरतगढ़ की मंडी में थे 2000 रुपए, राजसमंद की मंडी में थे 3800 रुपए और बस्सी की मंडी में थे 3000 रुपए। अंत में बात करते हैं गेहूं की। विजयनगर की मंडी में गेहूं के दाम थे 2142 रुपए, लालसोट की मंडी में थे 2085 रुपए, इकलेरा की मंडी में थे 2015 रुपए, बेगू की मंडी में थे 2100 रुपए, उदयपुर की मंडी में थे 1550 रुपए और बस्सी की मंडी में थे 2140 रुपए। किसान भाइयों, ये थे आज के राजस्थान के मंडी अपडेट्स। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।